नमस्ते, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं जब स्टोर रूम में गई तो देखिए मुझे क्या मिला। इस टाइप के बहुत सारे डब्बे पड़े हुए थे, जिनमें कुछ डब्बों को मैं लेके आई हूँ और इसी का रीयूज़ करके मैं बहुत ही सुंदर प्लांटर्स बनाने वाली हूँ। ये देखिए, ये इजी का डब्बा है और ये फेविकॉल का डब्बा है। ये वही डब्बा है जिसका ग्लू मैंने पिछले जो भी आइटम बनाए थे उसमें यूज़ कर चुकी हूँ। अभी ये डब्बा खाली हो गया है तो मैं इसका प्लांटर्स के रूप में यूज़ करूँगी। और ये एक डब्बा है जो कि ऐसे किचन में पड़ा हुआ था। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इजी के डब्बे से स्टार्ट करते हैं। मैंने इसका कवर हटा लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से हम कट करेंगे। पहले हम निशान लगा लेंगे मार्कर से और इतना हमें कट करना है जहाँ से हम सॉइल इसके अंदर डाल दें और प्लांट से यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इस तरह से हम यहाँ से कट करेंगे। इस डब्बे की सबसे अच्छी बात ये है कि पीछे ये लगा हुआ है तो हम इसका हैंगिंग प्लांटर्स बनाएंगे, इसे आसानी से हम हैंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे कट करते हैं। देखिए मैंने इसे कट कर लिया है और मैंने इसके अंदर सॉइल भी भर लिया है। अब बस हमें इस पे प्लांट्स लगाना है। यहाँ आपको डिज़ाइन दिख रहा होगा, मैंने इसे इस तरह से डिज़ाइन में कट किया है, तो इस तरह से भी कट कर सकते हैं। मैंने इसमें प्लांट्स भी लगाए हैं। देखिए ये प्लांट अच्छे से लग गया है और अच्छे से ग्रो भी कर गया है और इसमें फ्लावर्स भी आ गए हैं। काफ़ी सारे फ्लावर्स निकले थे लेकिन अभी फ़िलहाल आज अभी एक ही बचा है, तो मैंने इसमें प्लांट्स भी लगा लिया है। तो हम इस पे चाहे तो पेंट भी कर सकते हैं, ब्लैक डॉट कर लिए या फिर सिंपल भी रहेगा तो ये अच्छा लगेगा, या फिर ब्लैक डॉट्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा ये प्लांटर्स रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं, इसका हम प्लांटर्स बनाएंगे। इसे देखिए मैंने दो भाग में कट कर लिया है, दोनों एक साइज़ का है इस तरह से। तो दोनों को इसमें हमें मेरा दो प्लांटर्स निकल आएगा, इस तरह से हम दो बनाएंगे। तो और इसके अंदर हम प्लांट्स लगाएंगे और ये इसको हम पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पेंट नहीं करने वाली हूँ, मैं कुछ अलग करूँगी। मैं इसके ऊपर से प्लांटर्स कवर बनाऊँगी जिससे ये डब्बा ढक जाए और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगे। तो उसके लिए देखिए हमें क्या चाहिए, इस टाइप के पैकेट जो आजकल मार्केट में हम जब भी कुछ सामान लेते हैं तो इस टाइप के ही पैकेट में मिलता है, तो इन्हीं पैकेट का ही मैं यूज़ करके बनाने वाली हूँ। ये पैकेट है, इसे हमें पूरे यहाँ से खोल लेना है, पूरा खोल लेना है इस तरह से। देखिए मैंने जैसे इसे पूरा खोल लिया है यहाँ से, और हमें एक साइज़ में इस तरह से कट करना है। इस तरह से पूरा पीस पीस में हम कट करेंगे। हम इसे एक बार में मोड़ लेंगे, पूरा फोल्ड कर लेंगे जिस साइज़ का भी कट करना है, और फिर हम इसे कट लेंगे। सारा हमारा इसी साइज़ का होगा, तो हम इसे पहले कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पैकेट को देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, उसके बाद मैंने निशान लगा लिया है यहाँ से, जितनी भी चौड़ाई आपको रखनी है यहाँ वाइट कलर से मैंने निशान लगा लिया। अब हम इसे कट करेंगे। इसे कट कर लिया है, इस तरह से पीस पीस में ये कट हो जाएगा। और फिर हमें क्या करना है, इसे स्टिच करना है इस तरह से, और इसे पूरा एकदम लंबा रिबन की तरह रेडी कर लेंगे। हमें तीन लाइन रेडी करना है इस तरह का। देखिए मैंने स्टिच कर लिया है इस तरह से, हमें लंबा अटैच करके स्टिच करके लंबा बनाते जाना, ऐसा हम तीन लाइन तैयार करेंगे। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, देखिए मैंने इसे तैयार कर लिया है। ये तीनों जो तीन रिबन हम तैयार करेंगे उन तीनों का कॉर्नर एक लेके हम स्टिच करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से देखिए तीन रिबन रेडी हो गया है। अब हम तीनों को इस तरह से स्टिच करेंगे। तो हम इसे थोड़ा सा फोल्ड करके स्टिच करेंगे, फोल्ड
होल्ड हमें इस साइड से करना है, जो मैंने स्टिच किया है ये इसके अंदर इस तरह से चला गया। तो इस तरह से हम तीनों को फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर लेंगे आपस में। सिर्फ यहाँ हमें स्टिच करना है, तो इसे हम स्टिच करते हैं। तो इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है, अब हम इसका प्लेट्स बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, हम जो पीछे वाला रिबन है उसको आगे करेंगे, फिर इस साइड से आगे करेंगे, इस तरह से हम पूरा प्लेट्स बनाते जाएंगे। इस तरह से प्लेट्स रेडी हो गया है, ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। हमें इसे पूरा लंबा बनाना है। अब हम क्या करेंगे, इसे स्टिच करेंगे। तो हमें इस तरह से राउंड शेप में स्टिच करना है। पहले हम नीचे का रेडी करेंगे, जो जिस भी कंटेनर के साइज़ का हम बना रहे हैं वो इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे, नीचे जितनी चौड़ाई हमें रखनी है। फिर जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हम इसे खड़ा करके स्टिच करेंगे, इस तरह से खड़ा करके करेंगे। तो चलिए इसे पहले हम तैयार कर लेते हैं। अगर हम दो कलर में भी बना सकते हैं, तो उस तरह से हमें इसे स्टिच करना पड़ेगा। पहले अलग अलग हम दो प्लेट्स का ये लेयर बना लेंगे और फिर दोनों को साथ में ऐड करके स्टिच कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसे इस तरह से राउंड राउंड स्टिच करेंगे, इस तरह से। दो कलर में भी ये बहुत सुंदर लगता है, तो मैं दो कलर में ही बना रही हूँ। तो इस तरह से स्टिच कर लेंगे और जब हम ऊपर की ओर आएंगे तो इसे खड़ा स्टिच करेंगे, इस तरह से। तो चलिए इसे हम स्टिच करते हैं। इस तरह से प्लांटर कवर रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम ये जो मैंने कट किया था उसे लगाएंगे इस तरह से, और इसके अंदर फिर हम प्लांट लगा देंगे। आप इसे ऐसे भी बास्केट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसे प्लांटर के रूप में यूज़ करूँगी। तो अभी हम इसमें प्लांट लगाते हैं। इस तरह के पैकेट में मैंने प्लांट लगा लिया है, और अब हम इसे इसमें मैंने होल कर लिया है नीचे, इसमें इसके अंदर रख देंगे। और जब मर्जी हो, गंदा हो, आप इसे निकाल के वॉश कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने पेस्ट इसलिए नहीं किया कि जब ये गंदा होगा तो हम इसे ये निकाल के आसानी से वॉश कर सकें। चलिए, तो हम अब इसे इसमें डालते हैं। मैंने इसमें प्लांट्स लगा लिया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से मैंने एक और बनाया है रेड और येलो में, इसमें भी मैंने प्लांट्स लगा लिया है। इन दोनों में मैंने इंडोर प्लांट्स लगाया है। आप इसे कहीं पे भी, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, कहीं पे भी रख के अपने घर को सजा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, हम घर के बेकार चीज़ों का रीयूज़ करके अपने घर को सजा सकते हैं। तो आप हमें ज़रूर बताएं आपको इन दोनों में से कौन सा प्लांटर्स कवर अच्छा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्रिएशन के साथ। और हाँ, आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।